बकरी के दूध के फायदे और गाय के दूध के फायदे में अक्सर तुलना की जाती है। दोनों ही दूध स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन किसका दूध उपयोग किया जाए ये जानना सभी की जिज्ञासा होती है। ये सच है कि गाय का दूध बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन बकरी के दूध के फायदे भी कम नहीं हैं। बकरी के दूध और उसकी उपयोगिता बढ़ाने के साथ साथ बकरी के दूध से प्रसंस्कृत उत्पादों को बनाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने कई उपयोगी तकनीकों की खोज की है। आइए जानकारी लेते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी से। पिछले दशक से बकरी के दूध पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारे संस्थान में बकरी के दूध पर कई हमें जो तकनीकियां हम लोग विकसित कर रही हैं। बकरी का दूध इसलिए भी इम्पोर्टेंट माना गया है कि उसमें जो फैट का जो साइज होता है बड़ा छोटा होता है, वो आराम से हजम होता है। इसके अलावा बकरी के दूध में ऐसे कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो बाकी गाय और भैंस के दूध में उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से जो ये देखा गया है कि चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में डॉक्टर के द्वारा बकरी के दूध को इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है। और इसके अलावा बकरी के दूध में जो एक गोड चीज़ के नाम से जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और हम लगातार इस टाइप के बकरी के दूध पर नए नए उपलब्धियां हासिल करेंगे। अपने स्वास्थ्य गुणों के कारण बीते कुछ समय से बकरी का दूध बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है। बकरी के दूध में बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त होते हैं। बकरी के दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, शर्करा और सोडियम आदि शामिल होते हैं। ग्रामीण स्तर पर युवतियां और महिलाओं द्वारा निम्न उत्पाद कम लागत में बनाकर रोजगार स्थापित किए जा सकते हैं। दुग्ध उत्पाद द्वारा दूध का मूल्य संवर्धन तो होता ही है, साथ ही इनका लंबे समय तक उपयोग कर कई स्तर और कई अपर्याप्त इलाकों में निर्यात कर अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। भारतीय आहार में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की बढ़ोतरी और विविधता बढ़ती जा रही है। इसके लिए संस्थान के डेयरी वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास कर विविध प्रकार के परंपरागत उत्पादों की नई विधियां और नए उपकरणों को विकसित करके कम समय में श्रेष्ठ उत्पाद तैयार करने की विधियां तैयार की हैं। इन उत्पादों में योगर्ट, दही, प्रोबायोटिक जैसे उत्पाद शामिल हैं। इसके साथ ही संस्थान की प्रयोगशाला में बकरी के दूध से पाउडर बनाने की तकनीक की भी खोज की गई है। आइए जानकारी लेते हैं संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. सिंह जी से। बकरी के दूध के जो पोषक तत्व हैं और उसके अलावा उसमें बहुत सारे रोगों से लड़ने वाले जो तत्व पाए जाते हैं, इनको देखते हुए हम लोगों ने बकरी के दूध से उत्पादित डेयरी उत्पादों के ऊपर हम लोगों ने अपने काम शुरू किया उनकी तकनीक पर। और जो सबसे पहला प्रोडक्ट था हमारा था योगर्ट और दही। क्योंकि गाय और भैंस का जो दूध होता है उससे बनने वाले प्रोडक्ट के कंपैरिजन में बकरी के दूध से बनने वाला दही या योगर्ट बहुत ही पतला होता है, इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा नहीं डेवलप होता है। तो उसी के ऊपर हम लोगों ने अपना काम शुरू किया और मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करके कुछ हम लोगों ने उसमें अच्छे मिल्क प्रोटीन का एडिशन करके हम लोगों ने बहुत अच्छी क्वालिटी का सेट योगर्ट जो है डेवलप किया बकरी के दूध से। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रोबायोटिक योगर्ट के ऊपर भी काम शुरू किया और इसके लिए जो प्रोबायोटिक कल्चर थे वो हमारे खुद के अपने आइसोलेट्स हैं, जिनमें अलग अलग हम लोगों ने देखा कि भाई इनमें बहुत सारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ाने का की क्षमता है। साथ ही साथ हमारे इम्यून पैरामीटर जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन है या हमारे फैगोसाइटोसिस वगैरह हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं। तो हम लोगों ने इन कल्चर्स को स्क्रीन करने के बाद एक कल्चर हमारा खुद का अपना आइसोलेट है जिसको हम लोगों ने डेवलप किया और ये योगर्ट प्रोबायोटिक योगर्ट में करीब 21 दिन की इसकी शेल्फ लाइफ है। और साथ ही साथ हम लोगों ने फिर इसको रैट मॉडल में जाकर वैलिडेट किया कि इसको खिलाने के बाद अगर हम गाय और भैंस के से बनने वाले योगर्ट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम लोगों ने देखा कि जो है रैट्स के जो इम्यून पैरामीटर थे उसमें एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स थे, इन लोगों का जो है स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
साथ ही साथ कुछ बायोएक्टिव पेप्टाइड्स भी इसमें रिलीज होते हैं जो कि हमारे शरीर में खासतौर पे जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो इनको देखते हुए हम लोगों ने इन प्रोडक्ट्स की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। साथ ही साथ जो दूसरा प्रोडक्ट है, जैसे कि गाय और भैंस का पाउडर बहुत ज़्यादा बाजार में उपलब्ध है, गोट मिल्क पाउडर, खासतौर पर कोविड के क्षेत्र में जब एरिया में जो मतलब इस समय कोविड की समस्या हो रही है लोगों को, तब इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए उनको कुछ अच्छे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट चाहिए, तो हम लोगों ने गोट मिल्क पाउडर की तकनीक अपने यहाँ विकसित की हुई है और इस पाउडर को इस्तेमाल करके मतलब लोग अपने यहाँ पे इम्यून पैरामीटर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ न ही केवल हम लोगों ने तकनीक को डेवलप किया बल्कि हमने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए भी लोगों को, खासतौर पर एंटरप्रेन्योर हैं जो उद्यमी हैं, नए इसे स्टार्टअप्स हैं, उनको हम लोगों ने अपने यहाँ ट्रेंड किया और एक हमारे स्टार्टअप हैं जो कि गोट मिल्क पाउडर पे इस समय प्रोडक्शन करके ना केवल भारत के बाज़ार में बल्कि जो है विश्व स्तर के जो बाज़ार हैं उनमें भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने कुछ एंटरप्रेन्योर्स के साथ चीज़ वगैरह पर भी काम शुरू किया हुआ है और जो हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, जो पूरे प्लांट मशीनरी या टेक्निकल गाइडेंस है, ये हम प्रोवाइड करते हैं अपने बिजनेस इंक्यूबेशन प्रोग्राम के तहत। और हमारी यही उम्मीद है कि जितनी भी तकनीक हमने विकसित की है कोई स्टार्टअप कंपनी या जो ऑलरेडी जो डेयरी इंडस्ट्री है हमारी तकनीकों को ले और इन उत्पादों को बाजार में लेके आए। बकरी के दूध से विभिन्न दुग्ध पदार्थ बना के बेचने पर किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने बकरी के दूध से चार तरह की चीज बनाने में सफलता हासिल की है, जैसे मुजरेला चीज, गौड़ा चीज, हलोमी चीज और चीज रोल्स। आइए और अधिक जानकारी लेते हैं संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर गौरव देशवाल से। बकरी के दूध की मेडिसिनल विशेषताओं को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर बकरी के दूध से चीज़ बनाने की तकनीक को स्थापित किया है, जिसमें कि मुख्यतः चार प्रकार के चीज़ जैसे कि मोजरेला चीज़, गौड़ा चीज़, हलूमी टाइप चीज़ और चीज़ रोल्स की तकनीक को स्थापित किया गया है। मोजरेला चीज़ बकरी के दूध से बनाकर उसको मुख्यतः पिज़्ज़ा में यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ हलूमी, जो कि एक साइप्रस कंट्री का एक फेमस चीज़ है, उसको भी हमने यहाँ पर स्थापित किया है और उसमें हमने पाया कि 2% फैट को यूज़ करने से एक अच्छा प्रोडक्ट उपलब्ध हुआ। साथ ही साथ ये जो टेक्नोलॉजीज़ है इसकी ट्रेनिंग हम लोगों ने यहाँ पर छोटे किसानों को भी प्रदान की और इन प्रोडक्ट की डिमांड को देखते हुए, जो कि निश मार्केट में एक डिमांड है, साथ ही साथ फ्यूचर में कोई नया प्रोडक्ट जो कि बकरी के दूध से नए प्रकार का चीज़ भी विकसित करने की कोशिश जारी है। बकरी को गरीब की गाय के रूप में जाना जाता है क्योंकि बकरी से किसी भी समय दूध निकाला जा सकता है। लोग बकरी को चलता फिरता रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। बकरी के दूध की महत्ता देखते हुए इस दूध से विभिन्न प्रकार के उत्पादों की मांग बहुत अधिक है। इन उत्पादों की विदेशों में भी मांग ज्यादा है, इसीलिए बकरी के दूध से दुग्ध उत्पाद तैयार कर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। संस्थान में बकरी के दूध से प्रसंस्कृत उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिक और शोधकर्ता बकरी के दूध से प्रसंस्कृत उत्पाद बनाने किसानों, पशुपालकों, डेयरी और लघु व्यवसायियों की आय में वृद्धि करवाने के लिए कृत संकल्पित हैं और लगातार अपने शोधों और अन्वेषण से विकास कार्य में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।